टीवी एक्ट्रेस जिया माणिक का जन्म अहमदाबाद में 18 फरवरी 1986 में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जिया मुंबई चली आई, जहां उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की। वैसे उन्होंने करियर की शुरुआत में कॉमेडी फिल्म ना घर के ना घाट के से की थी। इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था। इसके बाद उन्हें स्टार प्लस का शो साथ निभाना साथिया के लिए कास्ट किया गया। इस शो की वजह से जिया हर घर में फेमस हो गई। लेकिन जब उन्होंने शो से अलविदा कहा तो लोगों का दिल टूट गया। साथ ही शो के मेकर्स भी इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि अगर जिया चली गई तो शो पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उस दौरान जिया कर्लस के रियलिटी शो झलक दिखलाजा में हिस्सा लिया। डांस बेस्ड रियलिटी शो में जिया काफी अच्छा कर रही थी। उन्होंने साथ निभाना साथिया को छोड़ना सही समझा। कुछ लोगों का मानना था कि मेकर्स उनके डांस रियलिटी शो में हिस्सा लेने की वजह से नाराज चल रहे थे। शो के मेकर्स ने उन्हें अनप्रोफेशनल होने की बात कही। एक इंटरव्यू में जब जिया से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में महीने के सिर्फ 25 दिन काम करने के लिए कहा गया था, बाकी 5 दिन मैं कुछ भी कर सकती थी। झलक का जब ऑफर आया तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं इस शो में हिस्सा लेती तो दूसरे शो पर प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यही बात मैंने साथ निभाना साथिया के मेकर्स ने भी कही, लेकिन इसे समझने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से शो से निकलना मेरे लिए सही था, जिसके बाद उन्हें साथ निभाना साथिया से निकाल दिया गया। आखिरी बार उन्हें कॉमेडी सीरियल चीनी और जूजू में अली असगर के साथ देखा गया था, लेकिन इस शो से भी जल्दी ही वे बाहर होगी। फिलहाल एक्ट्रेस किसी शो में नजर नहीं आ रही है। इस वक्त जिया किसी अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही है। फिलहाल वो लंबे वक्त से टीवी से गायब है। फैंस उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस जल्द धमाकेदार वापसी करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।